गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस। मैं भगवान जी कुर्मी आपके लिए 11th क्लास की मैथ्स लेकर आया हूं और जिसमें आज हम शुरू करने वाले हैं समुच्चय सेट्स। और यहां पे अगर ध्यान रहे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पे जैसे मेंशन है कि रोज 8 बजे आपकी लाइव क्लासेस होगी, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपकी लाइव क्लास ना हो पा रही है 2 तारीख से। आपको ध्यान रखना है 2 तारीख से सभी जो लाइव क्लासेस होंगी प्रॉपर अपने समय पे स्टार्ट हो जाएंगी। तो सभी को टाइम टू टाइम हमें जुड़ना है 8 बजे से, जो कि हमारी 11th की क्लास रहेगी, 11th मैथ्स, ठीक है। लाइव क्लास रहेगी 2 तारीख से। अभी हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स के फॉर्म में ही इसको करेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स के फॉर्म में ही करेंगे, क्योंकि इसके बाद अपनी लाइव क्लास जो होगी कंटिन्यूसली चलेगी। तो हम शुरू करते हैं, आज हमें शुरू करना है यहाँ पे समुच्चय। अब हम समझेंगे कि समुच्चय होता क्या है, किस तरीके से ये काम करता है, उसको ध्यान से देखेंगे। आखिर समुच्चय कब आया, कैसे आया, किसने इसकी परिभाषा दी, तो समझते हैं यहाँ पे समुच्चय। तो समुच्चय का मतलब होता है कि कोई भी जो वस्तुएं होती, जो सुपरिभाषित वस्तुओं का समूह। अगर मैं समुच्चय की बात करूं तो यहाँ पे याद रखना है सुपरिभाषित वस्तुओं का, सुपरिभाषित वस्तुओं का समूह, सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह को हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। अब सुपरिभाषित क्या, वो मैं अभी बताऊंगा कि जो वेल डिफाइंड हो, जो फिक्स हो। जैसे मैंने कहा कि इस पूरे विश्व में सुंदर, यहां पे मैंने कहा कि पूरे विश्व में सुंदर स्त्रियों का समूह, विश्व की, यहां पे याद रखना, विश्व की सुंदर स्त्रियों का समूह, सुंदर स्त्रियों का समूह। और मैंने कहा पृथ्वी पर, ध्यान से सुनना, पृथ्वी पर जीवों का समूह, जीवों का समूह। अब एक सुपरिभाषित है, एक सुपरिभाषित नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये सुपरिभाषित है, नहीं है, सॉरी, ये सुपरिभाषित नहीं है। क्यों? क्योंकि विश्व की सुंदर स्त्री, भाई सुंदर स्त्री तो सब होती हैं, हम किसी को ये नहीं कह सकते आप सुंदर हैं, आप सुंदर नहीं हैं। तो ये क्या होगा, सबके लिए अलग अलग होगा। तो ये क्या नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है। और अगर हम पृथ्वी पर जीवों की बात करें तो पृथ्वी पर जो जीव हैं वो फिक्स हैं, ये है कि भाई ये जीव ही है। तो ये क्या है, परिभाषित है। क्या है, परिभाषित है। तो जो चीज क्या होती, परिभाषित होती है, जो चीज क्या होती, परिभाषित होती है, उसको हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं, उनके समूह को समुच्चय कह देते हैं। तो सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह को हम क्या कह देते हैं, समुच्चय कह देते हैं। अब बात ये आती, यहां पे इतनी बात आपको क्लियर होगी कि सुपरिभाषित वस्तुएं या जो चीजें होती है उनका एक समूह जो होता है उसको हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे समुच्चय कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, समुच्चय कह रहे हैं। समुच्चय सिद्धांत का विकास जर्मन गणितज्ञ, ध्यान रखना कहाँ के, जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज केंटर, याद रखना जॉर्ज केंटर के द्वारा, जॉर्ज केंटर के द्वारा किया गया था। और इन त्रिकोणमितीय श्रेणी के प्रश्नों को हल करते समय समुच्चय की सबसे पहली बार इन्हें क्या किया था, इसको परिभाषित किया हुआ था, ठीक है ना। अब आगे बात कर लेते हैं, जैसे कि अब कुछ समुच्चय और उनका निरूपण, किस तरीके से हम उनको निरूपित करते हैं और कौन कौन से समुच्चय होते हैं, कौन कौन से समुच्चय नहीं होते हैं, इसको देख लेते हैं। ये जो निरूपण होता है वो 2 तरीके से होता है, अभी हम आगे इस पर खैर डिस्कस करेंगे। समुच्चय का जो निरूपण होता है उसको किस तरीके से हम निरूपित करेंगे, तो याद रखना इसको दर्शाते कैपिटल ए से हैं, दर्शाते कैपिटल ए से हैं, और इनमें जो चीज़ें होती हैं, जो वस्तुएं होती हैं, उनको हम रखते हैं सर्पाकार कोष्टक के अंदर। किसके अंदर, सर्पाकार कोष्टक के अंदर, ध्यान रखना बेटा,
किसके अंदर रखते हैं, सर्पाकार कोष्टक के अंदर हम जो भी वस्तुएं होती हैं, जो भी हमारे संख्या होंगी, जो भी अंक होंगे, उनको इसके अंदर लिया जाएगा। जैसे मैंने कहा 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या है, तो 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या 1, 3, 5, 7, 9, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1, 3, 5, 7 और 9 को इस तरीके से हम निरूपित कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हम रोस्टर रूप। क्या कहते हैं, रोस्टर रूप। क्या कहते हैं इसको, रोस्टर रूप कह देते हैं। ये किसका रोस्टर रूप है, इन अंकों का रोस्टर रूप है। अभी हम दो तरीके के से हम यहाँ पे इसको, इस समुच्चय को प्रदर्शित करने के दो तरीके, एक तो रोस्टर रूप होता है, एक समुच्चय निर्माण रूप होता है। ध्यान रखना, मैं यहीं पे थोड़ा सा आपको डिस्कस करता चलता हूँ। एक होता है रोस्टर रूप, है ना, या इसी को हम क्या कह देते हैं, रोस्टर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रोस्टर रूप। या तो दूसरा होता है समुच्चय निर्माण रूप। क्या होता है, समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप, ध्यान रखना दो होते हैं, एक तो होता है रोस्टर रूप, एक होता है समुच्चय निर्माण रूप। अगर मैं रोस्टर की बात करूं, या इसी को सारणीबद्ध समुच्चय या सारणी रूप भी इसको कह देते हैं, टेबुलर फॉर्म, सारणी समुच्चय, सारणीबद्ध समुच्चय, समझ रहे ना बात को। हम इसको सारणी मतलब कि कुछ इस तरीके से, मैंने अभी बताया था ना कि इसको हम किसके अंदर रख लेते हैं, इसको हम रख लेते हैं इन कर्ली ब्रैकेट्स के, मतलब कि सर्पाकार कोष्ठक के अंदर हम रख लेते हैं। जैसे भारत की नदियाँ, ये क्या होगा, एक समुच्चय हो जाएगा। इसमें से ये बताना है कौन समुच्चय है, कौन समुच्चय नहीं है, तो ये समुच्चय होगा। अंग्रेजी वर्णमाला की स्वर यानी कि ए ई आई ओ यू, तो इसका भी क्या होगा, समुच्चय होगा। विभिन्न प्रकार के त्रिभुज, जितने भी प्रकार के त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं आपके त्रिभुज, ये एक परिभाषित होते हैं 210 के अभाज्य गुणनखंड। जैसे कि मैंने कहा 2, 3, 5, 7, इनको अगर हम इस तरीके से इस ब्रैकेट में ले लेते हैं तो ये क्या बनाते हैं, एक समुच्चय का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। अब हम इसकी बात करें, एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 6 के मूल, जो कि क्या होंगे, 2 और 3 होंगे, तो इसको भी हम एक समुच्चय से निरूपित कर देंगे। और याद रखना, समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा निरूपित किया जाता है, जो कि क्या हो जाएगा, ए से यहाँ पे इसके मूल क्या हो जाएंगे, 2 और 3 हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक समुच्चय को निरूपित कर सकते हैं, एक समुच्चय का हम यहाँ पे प्रदर्शन कर सकते हैं। इतनी बात आपको क्लियर है क्या, यहाँ पे इतनी बात आपको क्लियर होगी। अब समुच्चय में कुछ चीज़ों को समझ लेंगे जो कि कुछ इस तरीके से निरूपित होंगी आपके। मैं अगर बात करूँ, कहीं कहीं आपको n देखने मिलेगा, क्या देखने मिलेगा, यहाँ पे n देखने मिलेगा। अब n क्या है उसको समझो, यहाँ पे जैसे n क्या होती, प्राकृतिक संख्या, z क्या होती, पूर्णांक से निरूपित करते हैं, क्यू को किससे प्रदर्शित करते हैं, परिमेय संख्याओं को, आर वास्तविक संख्याओं का, जेड प्लस क्या होता है, धन पूर्णांकों का समुच्चय, क्यू प्लस क्या होता है, परिमेय, धन परिमेय संख्याओं का, धन, और क्या होता है, वास्तविक, धनात्मक वास्तविक संख्याओं को, समझ रहे ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, संख्याओं को, जैसे प्राकृतिक संख्या याद रखना एन से निरूपित करते हैं, पूर्णांक, मैंने अभी अगर आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हो, जैसे ये क्या होते हैं 1, 2, 3, 4, ये सभी क्या होती हैं आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। 0 ले लो तो पूर्ण संख्या, ऋणात्मक संख्याएं ले लो तो, विथ ऋणात्मक संख्याएं ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा पूर्णांक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा, पूर्णांक में आ जाएंगे। तो पूर्णांकों को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, जेड से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जेड, समझ रहे हो ना, ये आपको ध्यान रखना है। और समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखते समय हम किसी भी अवयव को दोबारा नहीं लिखते, एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है एक शब्द स्कूल, यहाँ पे याद रखना मैंने एक शब्द लिया है स्कूल, तो स्कूल से मैंने अगर यहाँ पे, ध्यान रखना, मैंने स्कूल शब्द का एक समुच्चय बनाने की कोशिश करी, तो यहाँ पे एस सी एच और ओ और एल, मतलब जो ओ दो बार है वो दो बार नहीं लिया जाएगा, मतलब हम किसी भी रोस्टर रूप में जब हम लिखते हैं समुच्चय को उसको दोबारा नहीं लिखते, ठीक है ना, याद रखना। अब अगर हम यहाँ पे बात आती, इसका सर आप
समुच्चय निर्माण रूप और बताइए। मैं यहाँ पे आप सभी लोग समझ लें, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे समुच्चय निर्माण रूप की, ठीक है। हम साथ में समुच्चय निर्माण रूप की भी बात कर लें। जैसे मैंने कहा ए बराबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 सपोज, और अब हमें इसका ये हो गया कौन सा रोस्टर रूप, ये इसका क्या हो गया रोस्टर रूप। अब अगर हमें इसका बनाना है सारणी, मतलब कि समुच्चय निर्माण रूप, ध्यान रखना है यहाँ पे, मुझे क्या बनाना है यहाँ पे समुच्चय निर्माण रूप। अब देखो समुच्चय निर्माण रूप बनाने में हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, समुच्चय निर्माण रूप को बनाने में हमें क्या करना है, ए इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स, जहाँ एक्स क्या है सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं किससे छोटी, 7 से छोटी, समझ रहे हो ना, 7 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याएं हमने यहाँ पे ली हुई हैं, क्लियर है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि हम किस तरीके से, ये कौन सा निर्माण रूप होता है, समुच्चय निर्माण रूप। जैसे मैंने यहाँ पे लिया ए बराबर, यहाँ पे ध्यान रखना ए ई आई ओ और यू, ए ई आई ओ यू, इसका अगर हमें समुच्चय निर्माण रूप बनाना है बेटा, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे एक्स, जहाँ एक्स क्या है सभी अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, समझ रहे हो ना बात, ये क्या है सभी अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका समुच्चय निर्माण रूप होगा, ये क्या हो जाएगा आपका रास्टर रूप हो जाएगा। अब क्वेश्चन दो तरीके से बनते हैं, ध्यान से सुनना क्वेश्चन कैसे बनेंगे, आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाएगा समुच्चय निर्माण, इसका समुच्चय निर्माण रूप दे दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा कि आप क्या करो इसका ये बनाओ, इसको क्या कहेंगे रोस्टर रूप बनाओ, समुच्चय निर्माण से क्या बोल दिया जाएगा रोस्टर रूप बनाओ, या रोस्टर रूप दे दिया जाएगा तो क्या बोल दिया जाएगा समुच्चय निर्माण रूप बनाओ। इतनी बात आपको क्लियर हो पा रही है क्या, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस बन सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे एक दो उसमें हम चेंज कर पाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि ये तो अभी अपन को समझा ही दिया है, अभी आपको दोबारा नहीं लिखेंगे, जैसे कि मैंने एक उदाहरण लिया स्कूल, स्कूल में ओ कितनी बार है 2 बार है, लेकिन हमने कितनी बार लिया है ए बार लिया, ये भी बात आपको क्लियर हो गई है कि कभी भी समुच्चय का रोस्टर रूप जब आप बनाओगे उसमें अवयव रिपीट नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे रिपीट नहीं होंगे। अब आपको एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आपको बनाना है क्या, दोनों समुच्चय निर्माण रूप भी बनाना है और इसका रोस्टर रूप भी बनाना है। मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा है कम्युनिकेशन। अब आप इसका सबसे पहले तो रोस्टर रूप बनाओ, रोस्टर रूप कैसे बनेगा वो बताऊँ, तो यहाँ पे क्या करोगे ए इज इक्वल टू सी ओ एम यू एन आई, सी हो ही गया ए हो गया यहाँ पे ए, फिर टी, फिर आई भी हो गया, ओ भी हो गया और एन भी हो गया है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा यहाँ से टी, इस तरीके से ये क्या हो जाएगा हमारा कौन सा फॉर्म बन जाएगा आपका रोस्टर रूप बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या कह रही हमने अंकों को रिपीट नहीं किया बेटा, क्या नहीं किया यहाँ पे, हम किसी भी अवयव को हमने दोबारा नहीं लिखा है, मतलब हमें दोबारा नहीं लिखना है शब्दों को। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं क्या, आपको कमेंट करते जाना है, और जिनने अभी तक जो हमारे चैनल पर नए जुड़ते जा रहे हैं, जो नए लोग इसको देख रहे हैं, वो चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे लोगों को शेयर करें जिनको वाकई में इसकी ज़रूरत है, ठीक है, सभी को शेयर करें, ठीक है। चलिए तो अब हम आगे चलते हैं, ये हो गया। जैसे इन्हें कहा है एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 2, इसका हमें समुच्चय निर्माण रूप बनाना है, रोस्टर रूप में लिखना है, इसको क्या में रूप लिखना है रोस्टर रूप में। तो अब हम इसके तोड़ते हैं गुणनखंड, दिया गया समीकरण क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 2 बराबर 0, 2 एकम ऋण 2। अब हम इसको दो भागों में तोड़ना है हमें, इस बीच वाले, तो 1 एकम 1
दो एकम दो, दो और एक में तोड़ सकते ना हम इसको, दो और एक में तोड़ सकते कि नहीं तोड़ सकते पहले ये बताओ। दो और एक में तोड़ा जा सकता है, कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस दो एक्स माइनस एक्स माइनस का दो बराबर जीरो। इससे क्या होगा, एक्स यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, एक्स माइनस टू हो जाएगा, यहाँ से माइनस एक कॉमन आ जाएगा, एक्स हाँ प्लस वन ले लेंगे, वैसे तो कुछ गड़बड़ किया क्या, दो प्लस एक में टूटेगा ये ऐसा, तो यहाँ से प्लस वन होगा और ये कितना हो जाएगा, एक्स माइनस टू हो जाएगा बराबर। तो एक गुणनखंड क्या हो जाएगा, एक्स माइनस टू हो जाएगा और एक हो जाएगा एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। सो एक्स की वैल्यू हो जाएगी एक टू और एक्स की वैल्यू हो जाएगी एक माइनस वन, तो इसका जो समुच्चय बनेगा वो टू माइनस वन बनेगा। समुच्चय क्या बनेगा, टू माइनस वन बन जाएगा। कोई समस्या किसी को? तो ये हमने इसका रोस्टर रूप बना दिया कि नहीं? आपको इस तरीके का कोई भी एक वर्ग समीकरण दे दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा कि इसका समुच्चय निर्माण रूप या आपको रोस्टर रूप में यहाँ पे परिवर्तित करना है, इसका समुच्चय बनाना है, इसका हल काय के रूप में लिखना है, समुच्चय के रूप में यहाँ पे लिखना है। क्लियर है ना? अगला क्वेश्चन देख लो। अब इसमें अब अवयव और अवयव नहीं, ये बात यहाँ पे समझ लो। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन के साथ हम डिस्कस करते जा रहे हैं टॉपिक को, हमने टॉपिक अलग से नहीं लिए, यहाँ पे हमने क्वेश्चंस लिए हैं और एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे हम कवर करके चल रहे हैं, ठीक है? तो देखो बेटा, अवयव क्या है, अवयव क्या नहीं है वो समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक सेट लिया, एक समुच्चय लिया, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ सपोज, ठीक है? अब यहाँ पे कौन सा अवयव है, तो ए जैसे मैंने कहा कि जो फाइव है, फाइव है वो एलिमेंट है ए का, फाइव इज़ अ एलिमेंट ऑफ ए, और मैंने कहा सेवन इज़ एलिमेंट ऑफ ए, क्या नाइन है एलिमेंट? तो आप कहोगे सर इसमें नाइन तो दिख ही नहीं रहा, ये बिलोंग्स टू, इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू, नाइन बिलोंग्स टू ए, यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा, समझ रहे हो ना यहाँ पे बात, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब हम यहाँ पे इसको क्या ले लेंगे यहाँ पे, कि ये यहाँ पे नहीं लिया जाएगा, समझ गए? क्यों? क्योंकि इसमें वो है ही नहीं है। तो ये जो सभी ये सब होते हैं ना, ये नंबर, ये इसके अवयव कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं, किसके, ए के एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पे फाइव एलिमेंट है ए का, इसका वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स हो गया, तो फाइव है क्या, आप कहोगे सर है, फाइव एलिमेंट है। एट है क्या, आप कहोगे सर नहीं है। जीरो है क्या, बिल्कुल नहीं है। फोर है क्या, है। टू है क्या, है। टेन है क्या, नहीं है। इस तरीके से आप ये निकाल सकते हो। तो इसमें क्या हो जाएगा, एलिमेंट है, एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट है, एलिमेंट नहीं है, मतलब अवयव है, ये भी अवयव है, ये अवयव नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या लगाना था, अवयव है या फिर अवयव नहीं है। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि कौन अवयव है कौन अवयव नहीं है, जो इसके अंदर होगा तो वो अवयव होगा, ठीक है हाँ, और ये अवयव नहीं होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है? अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्स एक पूर्णांक है, हमें इसका क्या बनाना है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा आपका अधूरा है, इसको सुन लो। ये कौन सा रूप हो गया बेटा, समुच्चय निर्माण रूप है, ये एक समुच्चय निर्माण रूप दिया गया है, ये एक समुच्चय निर्माण रूप है। अब हमें करना ये है कि इसका हमें क्या बनाना है, समुच्चय, ये क्या हो गया, समुच्चय निर्माण रूप हो गया, हमें इसका रोस्टर रूप बनाना है। इसको काय में चेंज करना है, रोस्टर रूप में बदलो, रोस्टर रूप में लिखिए, रोस्टर रूप में लिखिए। एक्स क्या है, एक पूर्णांक है, समझिए बात के लाने। तो अब यहाँ पे हम बी के बराबर दिया है, इसको हम लिख लेते हैं माइनस एक। देखो यहाँ से होता है, ये होता है जीरो, यहाँ एक दो तीन, यहाँ ऋण एक ऋण दो, ये क्या है, एक बटे दो, मतलब ये कहाँ होगा, जीरो और एक के बीच में होगा, ऋण एक बटे दो यहाँ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहाँ से ये ऋण एक बटे दो यहाँ होगा, और नौ बटे दो मतलब साढ़े चार, यहाँ कुछ होगा चार साढ़े चार, है ना,
इसके बाद यहाँ कुछ कहीं होगा 9/2 मतलब 4.5 9/2। तो इसके बीच में हमें इसको भी नहीं लेना है और इसको भी नहीं लेना। इसके बीच में कौन से पूर्णांक हैं, इसके बीच में कौन सा, एक 0 है, एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है बस, और एक 4 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3 और 4। ये बात आपको समझ में आ गई होगी किसके, इसका मतलब समझ लो बेटा, इसका मतलब है x का जो मान है वो -1/2 से बढ़ा है। अब हमने इसलिए यहाँ पे इसको नंबर लाइन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी है, नंबर लाइन के थ्रू इसलिए आपको समझाया गया है कि ये हो गया एक लाइन आपकी, यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 1, ये ऋण में था, यहाँ हो गया 2, यहाँ 3, बड़ा मतलब इस साइड, छोटा मतलब इस साइड। ये इसके बीच में क्या होगा आपका, इसके बीच में कहीं होगा ऋण 1/2, 9/2 कहाँ होगा कहीं। अब मैं इसको थोड़ा सा इसको सुधार लूँ, इसको और आगे तक मैं ले जाता हूँ, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, तो कहीं जो आपका 4.5 9/2 होगा वो कुछ यहाँ हो जाएगा, 9/2 यहाँ हो जाएगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो अब हमें करना ये है कि इसका जो मान है वो क्या है, x का मान -1/2 से बड़ा, तो इसके बाद, और ये क्या है 9/2 से छोटा है, 9/2 से छोटा है मतलब इसको हमें इस साइड देखना है और इसको इस साइड देखना है। तो ये क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ से जो आंसर आया वो 0, 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आप करके दिखाओ। ये क्या है, एक समुच्चय निर्माण रूप है बेटा, ये क्या है हमारा एक समुच्चय निर्माण रूप है, ये भी क्या है एक हमारा समुच्चय निर्माण रूप है, समुच्चय निर्माण रूप है। हमें इसको काय में बदलना है, इसको बदलना है रोस्टर रूप में, किस में बदलना है याद रहे, इसको हम रोस्टर रूप में बदल रहे हैं, रोस्टर रूप में। आज का हमारा टॉपिक ही यही है, रोस्टर रूप में इसको परिवर्तित कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर इज लेस देन 4, क्या कोई पूर्णांक ऐसा कि जो जिसका स्क्वायर क्या हो 4 से छोटा और उसके बराबर होगा, मुझे ये बता दें एक्स एस कोई पूर्णांक, तो 1 या तो 2 होगा या -2 होगा। देखो 2 का वर्ग रखोगे, -2 का वर्ग रखोगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 का वर्ग रखोगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी ये भी कितना होगा 4, ये भी कितना होगा 4 होगा। मतलब कि यहाँ पे जो समुच्चय निकलेगा वो कितना निकलेगा आपका माइनस का 2 और प्लस का 2, मतलब x को हमें ऐसी संख्या लेना है कि उसका वर्ग 4 के बराबर हो या 4 से छोटा हो, क्या हो पूर्णांक 4 के बराबर या 4 से छोटा। तो अब हमें ये बताओ, ये 2 होगा, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 1 का वर्ग -1 हो जाएगा, पूर्णांक भी है ये, ठीक है कि नहीं है, मतलब 4 से छोटा, जिसका वर्ग क्या हो 4 से छोटा हो धन में। तो 1, 2, 2, 1, -1, क्लियर है ना, कोई समस्या है यहाँ पे किसी को, अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करते जाएं और पूछते जाएं, ठीक है। अब ऐसा महीना जिसमें 11 दिन आते हैं, 31 दिन आते हैं, तो आप ऐसे दिनों के नाम याद रख लो भाई, ऐसे दिनों के नाम याद रख लो कि जिसमें क्या आते हैं 31 दिन आते हैं। अब आप कैलेंडर तो सबके पास होगा, आपको याद भी होंगे, तो यहाँ पे आप 31 दिन के महीनों के नाम याद रख सकते हो, उसको यहाँ पे आप लिख देना, समझ रहे हो ना, यहाँ पे आप ऐसे दिनों के नाम याद रख सकते हो। ये सबसे पहले तो जनवरी हो गया, यहाँ पे सबसे पहले क्या हो गया जनवरी हो गया, ठीक है। आप इसके बाद जो भी हो मार्च अप्रैल जो भी, हमें एग्जैक्ट याद नहीं है कि कौन से महीने में 31 दिन आते हैं, आप इसको देख सकते हो, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। अब आती बात रिक्त समुच्चय की, अब हम यहाँ पे समुच्चय के प्रकारों की बात करने लगे हैं, समुच्चय कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात आ गई यहाँ पे रिक्त समुच्चय की, तो रिक्त समुच्चय क्या होते हैं, ऐसे समुच्चय जिनमें कोई भी अवयव ना हो, ऐसे समुच्चय जिनमें एक भी अवयव नहीं हो, क्या कहलाता है रिक्त समुच्चय या फिर शून्य समुच्चय कहते हैं,
क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय या फिर शून्य समुच्चय कहते हैं, मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो। क्लियर है ना बात, यहाँ पे एक भी अवयव ना हो तो उसको क्या कह दिया जाएगा, रिक्त समुच्चय कह दिया जाएगा। कोई कन्फ्यूजन इसमें, ठीक है, कोई खाली, इसको फाइ से प्रदर्शित कर देते हैं जनरली, या तो आप ऐसा कर लो ए इज इक्वल टू ऐसा, या फिर इसको फाइ लिख दो, इसको फाइ को आप इसमें मत रख देना ऐसा, फाइ ऐसा नहीं रख देना, ये गलत हो जाएगा, फाइ को ऐसा खाली ऐसे ही लिखा जाएगा, या फिर इसको फाइ लिखा जाएगा। रिक्त समुच्चय को कैसे प्रदर्शित करते हैं, फाइ से हम प्रदर्शित करते हैं। अब परिमित और अपरिमित समुच्चय, ये भी अच्छा है, परिमित और अपरिमित समुच्चय समझ लो। यहाँ पे परिमित समुच्चय की अगर हम बात करते हैं तो देखो बेटा, ऐसा समुच्चय जिसमें फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, जैसे मैंने कहा एक से लेके नौ तक के अंक, एक से लेके नौ तक के अंक, तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये इसमें क्या है, फिक्स नंबर ऑफ सेट, मतलब ये क्या है, फिक्स है। और मैंने अगर कह दिया कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का समूह, अब आप बताओ प्राकृतिक संख्याएं कैसी होती हैं, बताएं प्राकृतिक संख्याएं कैसी होती हैं, मैंने कहा 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा, ये तो चलते ही जाएगा, ये तो फिक्स होती नहीं है भाई, ये तो चलती जाएंगी ना, ये तो चलती जाएंगी, इसलिए ये जो समुच्चय हो गया, इस समुच्चय को हम क्या कह देंगे, इस समुच्चय को हम क्या कह देंगे, अपरिमित समुच्चय कह देंगे। तो यहाँ पे दो चीज़ें निकल के आ रही हैं, परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। तो एक समुच्चय जो रिक्त है अथवा जिसके अवयवों की संख्या निश्चित है, जिसके अवयवों की संख्या क्या है, अवयवों की संख्या निश्चित होती है, परिमित समुच्चय कहलाता है, अथवा समुच्चय अपरिमित कहलाता है। ये इसमें टाइपिंग का थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अपरिमित जिसमें फिक्स नहीं होते हैं, अपरिमित की मैं यहाँ पे परिभाषा लिख दे रहा हूँ, अपरिमित समुच्चय ऐसे समुच्चय जिसमें अवयव क्या नहीं होते हैं, फिक्स नहीं होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं। जैसे इसमें क्या होगा, निश्चित हो रहे हैं, इसमें निश्चित नहीं है। क्लियर है ना बात, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अपरिमित समुच्चय का वर्णन रोस्टर रूप में नहीं किया जा सकता है, अपरिमित समुच्चय का वर्णन रोस्टर रूप में नहीं किया जा सकता, उदाहरण के लिए वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का वर्णन इस रूप में नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस समुच्चय में अवयवों की कोई पैटर्न यहाँ पे नहीं होती, कोई विशेषता यहाँ पे नहीं होती, ठीक है ना। चलिए, तो ये परिमित को हमने यहाँ पे समझ लिया है, और अब हम यहाँ पे इसको ये भी हमने समझ लिया। अब समान समुच्चय, ये अच्छी बात है, यहाँ पे समान समुच्चय। चलिए, तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे क्या की समान समुच्चय की, तो देखो समान समुच्चय क्या कहलाते हैं, ऐसे दो समुच्चय समान होंगे जिसमें अवयव कैसे हों, क्या यदि उनमें समान अवयव हों, क्या हों, समान अवयव हों। मैंने अगर लिखा ए बी सी, और मैंने एक सेट लिया यहाँ पे बी सी ए, एक ए बी सी और एक बी सी ए, तो ये क्या नहीं होंगे, ये दोनों समान होंगे, इसका पैटर्न कुछ भी हो लेकिन अवयव तो यहाँ पे कैसे हैं, समान है ना, तो एक समुच्चय ए किसके बराबर हो जाएगा, एक समुच्चय ए किसके बराबर हो जाएगा, एक बी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दो समुच्चय समान। मैंने यहाँ पे हर टॉपिक को क्वेश्चन वाइज लिया हुआ है ताकि आपको समझने में भी आसानी हो, टॉपिक में भी कोई दिक्कत ना हो। और जितने बच्चे 11th के जुड़ रहे हैं भाई, ज़्यादा से ज़्यादा, या जो 12th के हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर करो, ताकि ऐसे लोग जिनको इसकी ज़रूरत है उसको मिल सके वो, ठीक है ना। चलिए, तो यदि किसी समुच्चय के एक या एक से अधिक अवयवों की पुनरावृत्ति होती है तो वो समुच्चय बदलता नहीं है। उदाहरण के लिए समुच्चय 1, 2, 3, यहाँ से 2, 2, 3, 3, 1, ये बात यहाँ पे, ये अच्छी बात इनने बताई है कि ये एक समुच्चय यदि है और ये किए, तो ये समान समुच्चय ही होंगे। कैसे होंगे समान, वो पहली चीज़ तो इसको इस तरीके से निरूपित कर ही नहीं सकते हैं, क्यों,
क्योंकि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि समुच्चय कभी भी दोबारा नहीं लिखते हैं, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ए का प्रतीक अभी बी में है और इसका विलोम भी सत्य है। इसी कारण से हम प्रायः किसी भी समुच्चय का वर्णन करते समय उसके अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं करते हैं। समझ रहे हैं ना, अवयवों की पुनरावृत्ति क्यों नहीं करते, ये भी आप बात समझ रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि यहाँ से हम क्या होता है, अवयवों की पुनरावृत्ति करने से अब वही अवयव यहाँ पे हो जाता है। ठीक है ना, कोई समस्या है इसमें? अगर कोई दिक्कत है तो आप जरूर कमेंट करते जाएं ताकि कोई समस्या यहाँ पे आगे ना आए। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ यहाँ पे, ये कौन सा समुच्चय हो गया, ये रिक्त समुच्चय है क्या? नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा रिक्त समुच्चय है, कौन सा रिक्त समुच्चय नहीं है, कौन सा परिमित समुच्चय है, कौन सा परिमित समुच्चय नहीं है। तो ये है क्या रिक्त समुच्चय? नहीं है, क्योंकि इसमें अवयव क्या है, जीरो है। यहाँ पे ये रिक्त नहीं होगा। इसका कारण क्या है, इसमें एक अवयव है ना जिसका मान कितना है, जीरो, इसलिए ये क्या नहीं होगा, एक रिक्त समुच्चय नहीं होगा। क्या एक्स इज ग्रेटर देन 15, एक्स इज लेस देन 5, एक्स क्या है 15 से बड़ा है और 5 से छोटा है, तो ये बी कितना हो जाएगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, ये क्या होगा, एक रिक्त समुच्चय नहीं होगा। और कैसा समुच्चय है, परिमित समुच्चय है। तो अब इसके लिए क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो ये तो है ही। और इसको आप तोड़ लो, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 15 बराबर 0, इसको तोड़ो, इसका समुच्चय निर्माण रूप बनाओगे तो ये क्या में टूटेगा, यहाँ से दो चीज़ों में, यहाँ से x 5 और 3 में टूट जाएगा, माइनस के 5x प्लस के 3x माइनस का 15 बराबर में हो जाएगा 0। x कॉमन ले लोगे x माइनस का 5 प्लस 3 कॉमन ले लोगे x माइनस का 5 बराबर 0, सो एक हो जाएगा x माइनस का 5, एक हो जाएगा x प्लस का 3 बराबर 0, सो x की वैल्यू 5 और x की वैल्यू माइनस का 3। इस तरीके से ये क्या होगा, ये हमारा समुच्चय बन जाएगा। ठीक है ना, इसमें कोई आपको कन्फ्यूज़न नहीं हुआ होगा। चलिए, तो ये हमने समुच्चय के निर्माण रूप में यहाँ पे परिवर्तित कर लिए, एलॉय शब्द और लॉयल शब्द। यहाँ पे एक शब्द क्या है, एक कोई शब्द है एलॉय, एक क्या है लॉयल, तो क्या ये बराबर समुच्चय हैं, क्या ये बराबर समुच्चय हैं? एक है सपोज ए एल ओ y, इसको हमने बना लिया, इसका समुच्चय हमने बनाया, तो ये बना l o y a, तो l o y a बराबर है ना, तो ये a किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे a किसके बराबर हो जाएगा, b के बराबर हो जाएगा, a किसके बराबर होगा, b के बराबर हो जाएगा। क्लियर है ना बात, इसमें कोई समस्या आपको, इसको भी आप कर लोगे, जल्दी से करके बताएं, इसमें ए और बी को आप करके दिखाएं जल्दी से। सबसे पहले तो इसको हल करो आप, यहाँ पे इसको हल करके दिखाओ, यहाँ पे सभी को हल करना है साथ साथ में मेरे साथ, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 बराबर 0, कैसे हल होगा सुनो, यहाँ पे इसको तोड़ेंगे, काय में टूटेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2 और प्लस का माइनस का x, 2 एकम 2, और यहाँ से प्लस का 2 बराबर 0 हो जाएगा, x कॉमन, से x माइनस का 2, और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे साथ में क्या आ जाएगा आपका, माइनस का 1 आ जाएगा, से x माइनस का 2 बराबर में क्या हो जाएगा, 0, सो 1x-2 और x माइनस 1 बराबर 0, सो x का मान 2 और x का मान 1 हो जाएगा। इस तरीके से ये हो गया। अब आपको इसको लेना है, तो इसका हमने क्या बना लिया आपका, समुच्चय निर्माण, ये -2, 2, 1, -1 में हो जाएगा, ये हम इस तरीके कर चुके हैं, एक सवाल ये हम कर चुके हैं इसके पहले, x में x के रूप में था उसका, अगर ध्यान हो तो आपको, x के रूप में था, और ये हम यहाँ पे कर ही लेंगे, होएगा तो यहाँ पे समुच्चय b क्या निकल के आएगा, 2 और 1 निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, ये भी आप कर लेंगे सवाल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और मैं आपको पहले भी बता दूं कि ये इस टाइप से आपको जो भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, आज हमने कम से कम 15 से 20 क्वेश्चंस करे हैं। कितने क्वेश्चंस करे हमने, 15 से 20 क्वेश्चन। आपको नेक्स्ट आगे और इसलिए नहीं कराया गया क्योंकि ये हमारा फर्स्ट टाइप जो था,
वो हमने पूरा इसमें कवर कर लिया, पहली प्रश्नावली, दूसरी प्रश्नावली, ये दोनों प्रश्नावली यहाँ पे कवर हो गई हैं इसी में। कल हम थोड़े बहुत क्वेश्चंस इसके डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ अगले टॉपिक में हम यहाँ पे चलेंगे कुछ इसके समुच्चय के कुछ एप्लीकेशंस हैं, उनका उपयोग कहाँ पे हम कैसे करते हैं उसको भी हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और एक और चीज़ कि लाइव क्लास अभी कुछ टेक्निकल इशूज़ की वजह से नहीं हो पा रही है, आपकी 2 तारीख के बाद से लाइव क्लास बिल्कुल एज इट इज़ चालू हो जाएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।